Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are going to discuss today set theory. This is a video lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching this part 4. आज हम बात करने वाले हैं सेट के आगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में. तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है ये समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है. एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है. मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं पिकनिक पे और आपका नाम है मान लीजिए एस. पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर उसके बाद बात करते हैं. यूनियन ऑफ सेट ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट. तो यूनियन ऑफ सेट है, इसको लिखते हैं यूनियन ऑफ सेट. यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ कितने सेट्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट डेफिनेशन हम टू के लिए लिख रहे हैं. इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड सेट बी इज ए सेट इन विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी और बोथ ही और बोथ राइट ना, बोथ द सेट्स मीन्स इट देयर एग्जिस्ट. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी. मतलब एक्स कोई एलिमेंट है तो ऐसा है कि वो या तो ए में है या बी में. तो इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन का मतलब है इकट्ठा कर देना. जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि आप गए हैं पिकनिक पे और आपका नाम है कुछ ए से ठीक है, और आपने अपने पैकेट में या जो खाने का बैग है उसमें एक टिफिन रखी है. उस टिफिन में रखे हैं आपने बहुत सारी चीज, खाने की आइटम्स या पॉली बैग कह सकते हैं. उसमें आपने रखा चॉकलेट, आइसक्रीम और ब्रेड, बटर, ऐसा कुछ ठीक है. आपका एक दूसरा दोस्त है जिसका नेम का इनिशियल बी है और बी फॉर कुछ भी नाम रख लीजिए, विनय ऐसा कुछ, और उसने भी अपने घर से ले आया है खाने के लिए सामान जिसमें ब्रेड और बटर है, और उसके पास उसने फ्रूट्स लाए हैं, एप्पल लाए हैं और ग्रेप्स लाए ठीक है. तो आपका कोई तीसरा दोस्त मिल गया और उसने कहा कि वो कुछ लाया नहीं था, कुछ पैसे लेके आया है उसके घर से, उसकी मम्मी थोड़ी आलसी है कुछ बना के दी नहीं है. तो आपने कहा कि कोई बात नहीं हम दोनों लाए हैं मिल बैठ के खा लेते हैं. तो एक बड़ा सा प्लेट निकाला और उसमें दोनों के खाने का सामान रख दिया, और तीसरा जो दोस्त है आपका सी मान लेते हैं वो गया है हाथ धोने. जब आया प्लेट में देखा तो उसमें क्या क्या होगा, उस प्लेट में ब्रेड होगा जो दोनों लाए हैं, बटर होगा और उसमें क्रेप्स होगा और उसमें ऑरेंज होगा और चॉकलेट होगा, आइसक्रीम होगा, है ना. वो देख करके समझेगा कि प्लेट में जो कुछ भी रखा हुआ है वो या तो ए लाया होगा या बी लाया होगा, कोई ना कोई जरूर लाया होगा, या हो सकता है कि दोनों के घर से आया हो. जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेड और बटर है, तो वैसे ही अगर उन दोनों की चीजों को, दोनों के खाने की सामग्री को एक जगह मिला दिया तो उसको कहेंगे यूनियन, मतलब उसको यूनाइट कर दिया. इसी बात को हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि अगर ए एक सेट है मान लीजिए, और उस सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 7. तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
फोर इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दो बार एलिमेंट्स को रिपीट करना जरूरी नहीं है, आप दो बार बिना रिपीट किए भी बात लिख सकते हैं। यानी एलिमेंट्स दोनों में है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया कि यहाँ पे दो सेट है और उसके बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को। इसका मतलब ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट है तो या तो ए का मेंबर होगा या बी का मेंबर होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें सेट में हम डिफाइन कर सकते हैं सेट को, और इसको वेन डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जरा देखिए इस वेन डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ये एक, तो इस सेट को अगर ए कहूं और इस सेट को बी कहूं तो इसमें फोर जो है वो दोनों में, फोर के अलावा और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 ये सारे एलिमेंट है। इसमें फोर के अलावा कौन कौन से है, 5 6 7 है। तो जब ए इन इंटरसेक्शन यूनियन बी कहें तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ये पूरे का पूरा रीजन होगा, ये पूरा का पूरा रीजन होगा, ए का भी बी का भी, है ना। ये सारे के सारे रीजन कहे जाएंगे, ये ए यूनियन बी कहलाएंगे, मतलब चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो चाहे दोनों में हो, तो ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाएगा ए यूनियन बी। दिस वेन डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ये वेन डायग्राम में हम कह सकते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स होंगे। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, और उस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये क्या क्या प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी करे अगर दो सेट है, या बी यूनियन ए करे तो ये सेम होगा। इसको कहते हैं कमुटेटिव लॉ, इसको कहते हैं कमुटेटिव लॉ, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए की तरह ये भी है, यानी ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी करे, यूनियन सी करे, या पहले ए यूनियन बी यूनियन सी कर ले तो ये दोनों चीजें बराबर होगी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह से ए यूनियन फाई, ए के साथ अगर फाई का यूनियन करें तो क्या होगा, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू यूनियन फाई, फाई का मतलब ए ही रहेगा, ठीक है, ए यूनियन फाई। इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ और लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ए यूनियन ए करें तो क्या रहेगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए ही रहेगा, इसमें कुछ नया होगा ही नहीं। और ए यूनियन यू करें तो क्या होगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यू होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू में होते हैं, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, और इसको कहेंगे यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल और यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो ये कुछ लॉ है जिसको आपको याद रखना चाहिए और इसको आपको समझना चाहिए, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरीके का कुछ नियम है जिसको याद रख। तो आइए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका यूनियन ऑफ सेट, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, यू फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, एक्स एक सेट है और एक सेट है वाई। तो सॉल्यूशन यहां से लिखते हैं, एक्स में एलिमेंट्स हैं क्या क्या, 1 3 5,
वाई में एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब एक्स यूनियन वाई निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ये 1, 2 भी है तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 5 लिख देंगे। ये हो गया ए यूनियन एक्स यूनियन वाई, दैट विल बी आंसर। तो सिंपल तरीका है आंसर लिखने का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था पहले क्वेश्चन का जवाब। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ए ए आई ओ यू, ए इज इक्वल टू लिखा है ए आई ओ यू, यानी ए आई ओ यू, एंड बी लिखा है क्या ए बी सी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, यह हमें देखना है कि व्हाट विल बी इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो इसमें हमें लिखना होगा ए इसमें भी है इसमें भी लिख देंगे, बी इसमें है लिख दिया, सी इसमें है वो भी लिख दिया, फिर ई आई ओ यू, ये हो गया ए यूनियन बी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर इन मल्टीपल ऑफ 3, एंड उसके बाद लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो सेट है वो लिखा है, कौन से सेट का नाम क्या लिखा है, ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट होंगे। बी एक सेट है जिसमें लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये हो गया नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5। अब ए यूनियन बी जब करेंगे तो ये इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आएगा 6, 9, 12, 15, ऐसे ये आते रहेंगे। अब यहां पर हम कह सकते हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये आएंगे, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, बी एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो यहां पर होगा 1, 2, 5, एंड 5 से जो ज्यादा होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स 1 से 6 के बीच में है, 1 नहीं है लेकिन 1 से बड़ा लेकिन 6 या उससे छोटा। दूसरा बी है नेचुरल नंबर है 6 और 10 के बीच में। तो चौथे क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि ए जो है वो है 1 से बड़ा, यानी 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा, ये देखिए 1 से बड़ा, एंड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, 6 तक हो सकते हैं। दूसरे में है नेचुरल नंबर बी में लिखा है कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो ये हो गया 7, 8, 9, बस 10 से छोटा, तो 10 नहीं लिखेंगे, है ना, दैट विल नॉट बी ए 10, बट 6 से 9 तक, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9। अब ए यूनियन बी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तब इसमें लिखोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये आंसर हो गया। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं क्या हो सकता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखें, 1, 2, 3 एंड बी 5, ए 1, 2, 3 और बी है 5, 1, 2, 3 और बी है 5, 5 मतलब इम्प्लिसिट। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1, 2, 3, इसको कुछ मिलाना ही नहीं है, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए होता है। तो इस तरह से ये आंसर होता है। तो इस तरीके से हम सेट के यूनियन कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना, इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है ए जी ए बी सी, पूछ रहे हैं ई जे इज सबसेट ऑफ बी, यस सिंस ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू
ए बी सी। तो कह रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, यस एवरी एलिमेंट ऑफ ए सिंस ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर फोर ए इज सबसेट ऑफ बी, यस। सो आंसर इज यस, ठीक है। और व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज बिगर सेट। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी, है ना, यूनियन क्या ए बी सी। अब इन दोनों का मिला के क्या क्या रहेगा, ये हो गया आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन भी है इसके साथ, ठीक है। अब सॉल्यूशन थर्ड की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन थर्ड क्या लिखा है, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज यूनियन बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ऊपर में आ चुका है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हुआ है बी, तो ये आंसर होता है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। नाउ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि उसका कैसे सॉल्यूशन होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस आर हियर दैट ए बी सी डी फोर सेट्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फैक्ट। यहाँ पर ए यूनियन बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए की जगह पर लिख देंगे 1 2 3 4, यूनियन बी की जगह पर क्या लिखेंगे 3 4 5, एंड व्हाट विल बी आउटपुट 1 2 3 4, और इसमें से ले लेंगे क्या 3 4 तो कॉमन है, 5 6 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वाला एलिमेंट ले लेंगे, ये हो गया आंसर। इसी तरह से हमें निकालना है दूसरा ए यूनियन सी, तो ए को लिख देंगे 1 2 3 4, और यूनियन सी को लिख क्या 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों को मिलाने पे 1 2 3 4, ए के एलिमेंट को लिख दिया फिर बी के एलिमेंट को लिख दिया, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, अब ये देखिए, तो बी के एलिमेंट्स को लिख देते हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, यूनियन सी के एलिमेंट को 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट्स को लिख दिया 3 4 5 6, और 5 6 कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है 7 और 8, तो ये आंसर होगा। इसी तरह से फिर बी यूनियन डी लिखा बी यूनियन डी लिखा है, तो बी यूनियन डी में क्या लिखोगे, बी का एलिमेंट 3 4 5 6, 5 6, और यूनियन डी का एलिमेंट्स क्या है 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आउटपुट। बाहर बी के एलिमेंट्स को लिख दो 3 4 5 6, और बाकी ये सारे अलग अलग हैं 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऐसे लिख देंगे, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब है कि तीनों के एलिमेंट्स को हमें मिलाना होगा। तो पहले हम लिखेंगे ए का एलिमेंट्स, ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी का एलिमेंट्स क्या लिखना है 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखना है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब हमें यहाँ आउटपुट होगा जो, उसमें ए के एलिमेंट को लिख दिया 1 2 3 4, और 3 4 यहाँ कॉमन है तो वो दोबारा 5 6 लिख देंगे, 5 6 यहाँ कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, और 7 और 8 लिख देंगे, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब फिर निकाला है, हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए के जगह पे 1 2 3 4, बी के जगह पर 3 4 5 6, और डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये हो गया कुल मिलाकर के क्या क्या होंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 6, और फिर 7 8 9 10,
ये हो गया पूरा मिला करके 7, 8, 9, 10, ये पूरा हो गया। तो इस तरह से ये आंसर बी यूनियन सी यूनियन डी लिखना है। तो बी के जगह पर क्या लिख देंगे, अब फिर से यहाँ पे देखिए बी के जगह पर हम लिख देंगे बी क्या है, तो बी है 3, 4, 5, 6। सी क्या है, तो 5, 6, 7, 8 है ना, और डी क्या है, तो डी है 7, 8, 9, 10। अब इन सबको अगर लिखें तो ये हो जाएगा क्या बताएं, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6। 5, 6 कॉमन है, 7, 8 एक्स्ट्रा है तो लिख दिया, और 7, 8 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 9 और 10 तो ये यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से ये आंसर हो गए, ये 9 और 10 तो ये आंसर हो गए। इस तरीके से यूनियन ऑफ सेट्स में कोई मुश्किल नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे इसको कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और इस तरह से यूनियन ऑफ सेट को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा, या तो एलिमेंट्स ऑफ ए होना चाहिए या एलिमेंट्स ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका दिन शुभ हो। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है ब्रेक के बाद, ठीक है, थोड़ी देर की ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, फिर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। थैंक यू।